क्या आपको बहुत नींद आती है? क्या आप बाहर घूमने के बजाय नींद को चुनते हैं? और क्या आप अपनी नींद से कोई भी समझौता नहीं करते? तो आज का दिन आपके लिए बहुत है खास, क्योंकि आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है स्लीप डे। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही नींद लेना भी है। आमतौर पर हम अपनी नींद की सेहत को लेकर कम ही फिक्रमंद होते हैं, लेकिन शरीर की सेहत के साथ नींद की सेहत यानी कि हमारी स्लीप हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और इसी की अहमियत को जताने के लिए वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। हालांकि स्लीप हेल्थ को लेकर इस साल भारतीयों की हेल्थ में सुधार के संकेत मिले हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ हमारी नींद की सेहत में सुधार और इससे जुड़ी और भी कई बातें। ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड यानी GISS 2021 हमें नींद की हेल्थ में सुधार के संकेत दिखाता है। हालांकि GISS ये बात भी बताता है कि 92% भारतीय अभी भी सोने से पहले अपने फोन को देखते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे से पहले स्लीप एंड होम सॉल्यूशंस कंपनी वेकफिट द्वारा प्रकाशित GISS 2021 के मुताबिक रात 10 बजे से पहले बिस्तर पर जाने वाले लोगों की संख्या में 100% की वृद्धि देखी गई है। जल्दी सोने की यह प्रवृत्ति 18 वर्ष के बच्चों के बीच सबसे अधिक है, जिनमें 50% अब रात 10 बजे से पहले ही सोने जा रहे हैं, जबकि पहले 2020 में ये केवल 22% ही थे। यही नहीं, आधी रात के बाद नींद लेने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट आई है, ये 28% से 26% पर आ गए हैं। आइए जानते हैं वर्ल्ड स्लीप डे मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। आधुनिक समय में लोग खराब दिनचर्या, गलत खानपान, तनाव और कम सोने के चलते कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं। इनमें कम सोने और तनाव से मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी का यह कदम सराहनीय है। इसके जरिए लोगों में पर्याप्त सोने की जागरूकता फैलती है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो रोजाना 8 घंटे जरूर सोएं, और याद रखें आपकी स्लीप हेल्थ बहुत जरूरी है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।